फिल्म देखना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता, कभी कभी ये सामाजिक मुद्दों को समझने का भी एक तरीका बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक नर्वस कथा कॉलेज की, जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक आवाज है। परवीन हिंगोरिया की नर्वस कथा कॉलेज एक ऐसी फिल्म है जो हम सबके दिल को छू जाती है। इस फिल्म में हिंगोरिया ने ना सिर्फ डायरेक्शन किया है बल्कि अपने अलग अलग किरदारों को भी प्ले किया है। ये फिल्म वुमेन्स एम्पावरमेंट और उनके राइट्स के मामले को उठाती है। इस फिल्म का हर कैरेक्टर एक अलग कहानी सुनाता है जो आखिरकार एक ही संदेश तक पहुंचता है। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी लाइन पर बढ़ते हैं। तो फिल्म की कहानी छोटे से गाँव से शुरू होती है जहाँ औरतों को उनके हक के लिए लड़ना पड़ता है। परवीन हिंगोरिया इस फिल्म में 9 अलग अलग किरदारों को प्ले करते हैं जिससे उनकी एक्टिंग की वर्सेटिलिटी समझ आती है। हर कैरेक्टर्स के पास अपनी एक कहानी है जो देखने वाले को समझ में आता है कि कैसे सोसाइटी उन्हें दबाना चाहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि ये औरतें अपने सपनों की तरफ कैसे कदम बढ़ाती हैं। हर कैरेक्टर्स की कहानी एक प्रेरणा है। हिंगोरिया का हर रोल अलग है लेकिन सबका मेन थीम एक ही है, एम्पावरमेंट। तो फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक औरत का सपना सिर्फ उसका नहीं होता बल्कि उसके परिवार और समाज का भी होता है। फिल्म के मुख्य थीम्स में जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस और वुमेन्स राइट शामिल है। ये इशू आज के समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है इस पर सोचने पर मजबूर करते हैं। हर कैरेक्टर्स की कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर हम इस समस्याओं को क्यों नहीं समझते। फिल्म का एक खास पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि एक जरूरी सामाजिक समस्या पर रोशनी डालने की कोशिश है। इस फिल्म की कहानी हर वुमेन की स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है चाहे वो किस भी बैकग्राउंड से हो। अब बात करते हैं सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन की। तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी है। हर सीन को ऐसे शूट किया गया है कि व्यूवर्स को उस मोमेंट्स में घुसने का मौका मिले। परवीन हिंगोरिया की डायरेक्शन में एक यूनिक स्टाइल है जो स्टोरी को इंगेजिंग बनाता है। उन्होंने कैरेक्टर्स की इमोशंस को विजुअली दिखाने की कोशिश की है जिससे ऑडियंस उनकी जर्नी को फील कर सकती है। फिल्म में कलर ग्राइंडिंग और लाइटनिंग का यूज बहुत ही इफेक्टिव किया है जो कहानी के इमोशंस को और भी गहरा बनाता है। हर फ्रेम में एक अलग कहानी छुपी है जैसे आप फिल्म के देखते वक्त खुद को उस दुनिया में महसूस करते हैं। फिल्म का एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इस फिल्म में गाने ना सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाते हैं बल्कि ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। हर गाना फिल्म के कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करता है। कंपोजर ने हर गाने में इमोशंस का परफेक्ट ब्लेंड दिया है। फिल्म के गाने ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं और उनका हर लिरिक्स आपको कहानी की गहराइयों तक ले जाता है। ये म्यूजिक ना सिर्फ एंटरटेनमेंट है बल्कि फिल्म के मैसेज को और भी कन्वे करता है। अब कुछ प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज। नर्वस कथा कॉलेज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसे वुमेन्स राइट और एम्पावरमेंट को एक अहम मुद्दा बनाया है। ये फिल्म सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि समाज में लाने लायक भी है जो आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है। अब कॉन्स की बात करें तो वो है पेसिंग इशू, लेकिन फिल्म की पेसिंग कभी कभी थोड़ी स्लो फील होती है। कुछ सीन्स को थोड़ा और फास्ट पेस्ड होना चाहिए था जिससे व्यूअर्स का इंटरेस्ट बना रहे। ये फिल्म ओवरऑल फ्लो को थोड़ा इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे फिल्म की तलाश में है जो सिर्फ आपको एंटरटेन ना करे बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर करे तो नर्वस कथा कॉलेज आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। इस फिल्म ने सोशल इशू पर एक नई सोच को पेश किया है और ये समाज को एक जरूरी मैसेज देती है। फिल्म देखकर आपको कैसा लगा? क्या आप इसकी कहानी से इंस्पायर हुए? कमेंट में मुझे जरूर बताना फिल्म देखने के बाद। और हाँ, इस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।